हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स बाय नीतू। टुडे वी विल डिस्कस ऑन रोलिंग मोशन। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन हमने फिनिश कर दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोलिंग मोशन। जब कोई बॉडी क्या करती है, रोल करती है, ठीक है। देखो, जो रोलिंग मोशन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस का, ट्रांसलेशनल मोशन का एंड रोटेशनल मोशन का। देखो, जैसे जब कोई बॉडी रोल करती है, जैसे कोई टायर का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जैसे कार के टायर्स होते हैं, इस तरह से मूव करते हैं ना। तो इसमें देखो, अगर आप ध्यान से इस तरह से होता है ना रोलिंग मोशन, देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपके पास, मान लो ये आपके पास टायर है, ये क्या हो रहा है, देखो ये आगे को भी मूव कर रहा है, मीन्स ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। बॉडी मूव कर रही है आगे की डायरेक्शन में, है ना, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। और क्या कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है, इस तरह से रोटेट भी कर रहा है ना, आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इट मीन्स इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है और साथ में क्या है, इसमें रोटेशनल मोशन भी है। इसलिए हम राइट डाउन कर सकते हैं, जो रोलिंग मोशन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन मोशन का एंड रोटेशनल मोशन का। अब देखो, इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक आता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है अगर रोलिंग मोशन की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, तो वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, उसे हम के टी से डिनोट करेंगे, ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, ये वाली चीज मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब भी बताई थी। जैसे कोई बॉडी है, अगर वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ठीक है, बॉडी में तो क्या है, देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पर जब हम बात करते हैं कि हमें काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन राइट डाउन करनी है, तो हम कैसे करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो वो वी है वेलोसिटी, वो किसकी वेलोसिटी है, बिकॉज बॉडी तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, तो जो वो वेलोसिटी हम वहां राइट डाउन करते हैं वो किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की। क्लियर? ओके, तो अब देखो, यहां मैं इसलिए राइट डाउन किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन के टी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के आर से, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, अब हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, के टी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन के आर। ठीक, अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन के टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हाफ एम अबाउट सेंटर ऑफ मास होगी, है ना, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, जब हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं तो वेलोसिटी किसकी आती है, वो सेंटर ऑफ मास की, तो वी सी ओ एम का स्क्वायर। क्लियर हो रही है वाली चीज, है ना, जब भी हम इस तरह से एक्सप्रेशन राइट डाउन करते हैं तो हम किसकी वेलोसिटी लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास की, तो हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर हो गया। इसको आप फर्स्ट का नाम दे दो, सॉरी फर्स्ट का नाम हम इसे देते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं के आर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, और उसमें क्या होता था, देखो ये हाफ वैसे ही रहेगा, इसके एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट भी करी हुई है यहाँ पे, है ना, पूरी डेरिवेशन की हुई है हमने, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वो वाला। देखो, हाफ एम मास की जगह क्या राइट डाउन कर लेंगे हम, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई राइट डाउन करते हैं, ठीक है, और वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी होगा, दैट इज ओमेगा उसका स्क्वायर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे वी नो दैट, हम राइट डाउन कर सकते हैं, वी नो, इसे आप थर्ड का नाम दे दो इक्वेशन, ठीक है, वी नो दैट हमें अगर राइट डाउन करना है वी सी ओ एम इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो आर ओमेगा के बराबर, है ना, आर ओमेगा, बहुत जगह हमने ये वाला रिलेशन यूज किया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से रिलेटेड होते हैं, यहां से ये वाली चीज आ गई, और यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, वी सी ओ एम डिवाइडेड बाय आर, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वाली ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अभी हम पहले किसकी और वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो अगर हमने रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या होता था, अगर आपके पास कोई, मान लो ये आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और अगर हम मानते हैं इस बॉडी का मास जो है किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मान लो यहां इसका पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है,
ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता था उसे हम क्या कहते थे, के, रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर, है ना। और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आती थी, आई इक्वल टू एम के स्क्वेयर। पूरी बॉडी का मास अगर हम एम ले रहे हैं, कैपिटल एम, है ना, और के स्क्वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां हम सोच रहे हैं कि जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वेयर, इस तरह से, है ना। तो हम आई की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो एम के स्क्वेयर, क्लियर। अब देखो इस आई की वैल्यू और जो हमने अभी किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा एंड आई की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इस वाले में, के आर में। फिर उससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना। तो हम यहां पे राइट डाउन कर रहे हैं कैसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड आई इन किसमें, थर्ड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड देखो आपके पास क्या इक्वेशन थी, ये है आपके पास के आर, आपको विजिबल है, है ना, के आर, और यहां पर क्या है आपके पास, हाफ आई की जगह राइट डाउन करेंगे हम एम के स्क्वेयर, ठीक है, और ओमेगा की जगह आ जाएगा वी सी ओ एम डिवाइडेड बाय आर, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम यहां पे, क्लियर हुई वाली चीज, ओके। अब देखो इसे हम नाम दे देते हैं 1 2 3, इसे हम दे देते हैं 4 का नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू किस किस की, यहां से देखो ये जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, केटी की वैल्यू सेकंड से एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से, ये दोनों से कहां पुट करेंगे हम, फर्स्ट वाले में पुट कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहां पे, पुट वैल्यू ऑफ किसकी, केटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन फ्रॉम सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ के आर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन फ्रॉम फोर्थ, किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या आएगा आपके पास, के इक्वल टू किसके बराबर आएगा, के टी हम राइट डाउन करेंगे पहले, के टी की वैल्यू क्या है आपके पास, हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वेयर प्लस के आर की वैल्यू यहां से पुट कर लो, यहाँ आ गया हाफ एम के स्क्वेयर, है ना। ये मैं ओपन करके लिख रही हूँ, देखो वी सी एम वी सी ओ एम का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेयर, है ना। सिंपल वैल्यू पुट की हमने यहाँ से, अगर अब यहाँ से हम के इक्वल टू हाफ, सॉरी ये कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम ले रहे हैं हम बॉडी का मास, तो कैपिटल एम वी सी ओ एम का स्क्वेयर अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से दोनों से, है ना, तो ये वाली चीज़ तो कॉमन आ गई सारी की सारी बाहर, यहाँ आ जाएगा 1, क्लियर। प्लस यहाँ पर देखो हाफ एम वी स्क्वेयर, है ना, डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वेयर यही बाहर है ना, अंदर क्या रह गया यहाँ पे, के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, वैसे ही रह गया, क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। हाफ एम वी स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, यहां से सारी चीजें कॉमन आ गई, 1 प्लस ये वाली चीज आ गई यहाँ पे, क्लियर। यही आपके पास क्या निकल गया, यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, ये किसकी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो सिंपल सी एक्सप्रेशन थी ये वाली, देखो यहीं से हम वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो किस तरह से, मान लो यहाँ पे इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से आ रही है बॉडी, ठीक है, और किस हाइट पे है, एच हाइट पे है मान लो, ठीक है, एच से यहाँ से आ रही है बॉडी यहाँ पे रोल करती हुई, ठीक है। तो देखो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना, इस पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम आपके पास, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये चीज भी हमने डिस्कस की है, देखो यहां पर क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे वो बॉडी नीचे डायरेक्शन में आ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, ये पता है, ये क्या मैक्सिमम राइट डाउन किया हमें, ठीक है, मैक्सिमम। तो देखो यहां से किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, ठीक है, तो यहाँ एम
जी एच इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये वाली चीज और ये इक्वल होंगी। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है ये हमने अभी कैलकुलेट की, यहाँ क्या आ गया हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वेयर, और यहाँ आ गया 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, देखो एम से एम कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो हम जी एच इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वी सी ओ एम का स्क्वेयर, और यहां आ गया 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो क्या आ जाएगी वी की वैल्यू, यहां पे ये जी एच वैसे ही आ गया है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये किसके बराबर आ गया वी सी ओ एम का स्क्वेयर। अब अगर हमें क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है, स्क्वेयर हटाएंगे तो वी सी एम किसके बराबर आ जाएगी वेलोसिटी, देखो यहाँ पे आ जाएगा जी एच डिवाइडेड बाय यहाँ आ गया 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वेयर रूट। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, सिंपल क्लियर। तो देखो आज हमने रोलिंग मोशन के बारे में डिस्कस किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।